समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में न सिर्फ आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को जमानत दी है, बल्कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के 7 साल की सजा वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई थी। तो आजम परिवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लग गई है, बड़ी राहत। बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा ये पूरा मामला है। रामपुर की कोर्ट ने दी थी 7 साल की सजा। बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा ये पूरा मामला, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत मिली है। आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत मिली है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके परिवार को ये बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने, आपको हम विस्तार से अगर समझाएं तो अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में न सिर्फ आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को जमानत दी, बल्कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के 7 साल की सजा वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है।